हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कॉलर वाले कुर्ती की कटिंग। तो बेसिक कैसे कटिंग होगी और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करते हो तो आपको हमेशा परफेक्ट एकदम फिटिंग मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। ये हमारा इधर से फोल्डेड है, इधर से फोल्डेड है, 2 पीस हैं तो आगे पीछे के पर्दे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है यहाँ पे शोल्डर का। तो जितना भी आपका कंधा है उसका हाफ कर लीजिए। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे मेरे ये क्लाइंट का है जो कुर्ती में कटिंग करने जा रही हूँ, तो इनका जो शोल्डर है वो है 15 इंच। 15 इंच का जब हाफ करेंगे तो आता है 7.5 इंच। ठीक है, तो कॉलर वाली कुर्ती का नियम ये होता है कि हाफ ऑफ शोल्डर प्लस 1/2 इंच। तो उसमें हमें क्या करना, जितना शोल्डर है हाफ कर लिया उसमें प्लस 1/2 इंच करेंगे तो आता है हमारा 8 इंच। उसके बाद शोल्डर डाउन देना है, तो शोल्डर डाउन हम यहाँ पे देंगे 1.75। कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हो ना तो पौना 2 इंच आपको देना होगा। ठीक है, अब यहाँ से आता है नेक राउंड। तो नेक राउंड आपको कितना लेना है, नेक राउंड आपको गले का जो नेक है उसको राउंड करना होता है, नाप लेना होता है। जितना भी आपका नेक राउंड आया है उसको आपको 4 पार्ट करना। जैसे कि आपने गर्दन, हमारी यहाँ पे गर्दन है, ठीक है, तो आप पूरा जो नेक राउंड है ऐसे करके आप मेजर कर रहे हो राउंड में, जितना भी आता है उसको 4 पार्ट करिए नेक राउंड का और उसमें से 1/2 इंच घटा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मेरे केस में आता है 2.75, पौना 3 इंच। अब इसको हम क्रॉस कर लेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है आपका आर्म होल का लेंथ। तो ये जो साइज है वो 40+ साइज है, मतलब 40 इंच रहेगा इसका जो चेस्ट है, 40.5 इंच, 40.5 इंच का साइज है। तो इसके लिए हमारा आर्म होल का लेंथ रहेगा 7.75, पौने 8 इंच। तो ये चेस्ट लाइन का निशान हो गया। उससे 3 इंच नीचे जाएंगे, 3 से 3.5 इंच हम जा सकते हैं, तो साइज थोड़ा बड़ा है तो मैं 3.5 इंच नीचे जा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे चेस्ट, यहाँ पे अपर चेस्ट। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है हमारा शोल्डर टू वेस्ट। तो कमर का निशान लगेगा, जितना भी आपका शोल्डर से लेकर के वेस्ट की लंबाई रहेगी उसका निशान लगेगा। 15.5 इंच है तो हम 1/2 इंच प्लस करके 16 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारी कमर हो गई। उसके बाद कमर से लेकर के यहाँ पे साइड कट कुर्ती का जो रहता है, जिसको हम चाक बोलते हैं, वो कितने इंच का रहेगा वो देखेंगे। तो 6.5 इंच पे मुझे लगाना है यहाँ पे निशान, कमर जहाँ है उससे 6.5 इंच नीचे। तो ये सारे निशान हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ पे चेस्ट लाइन पे हमारा अपर चेस्ट है। तो अब कॉलर वाले जब भी कुर्ती बनाओगे ना, तो जितना बॉडी मेजरमेंट से आपका चेस्ट आता है उसमें +3 इंच आपको करना है यहाँ पे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे जो अपर चेस्ट है वो है 38 इंच, उसमें हमने 3 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 41 इंच, और 4 से भाग देने पर आएगा हमारा 10.25 इंच। तो सेम प्रोसेस रहेगा चेस्ट में और अपर चेस्ट में। कमर में आपको 2 इंच की लूजिंग डालनी है बॉडी मेजरमेंट के बाद, और हिप में भी आपको 2 इंच की लूजिंग डालनी है बॉडी मेजरमेंट के बाद। तो मेरा यहाँ पे अपर चेस्ट है 10.25 इंच और ये स्लीवलेस कुर्ती बनेगी। तो हमें सेम टू सेम बनाना है और सेम कटिंग रहेगी, सेम चीज रहेगी। ठीक है, तो 10.25 इंच यहाँ पे आ गया। अब चेस्ट हमारी है 40.5 इंच प्लस 3 इंच करके 4th पार्ट हम करेंगे, तो इसमें आएगा 10.8। तो ये हमारा चेस्ट का हो गया। सेम ऐसे ही वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट 35.5 इंच है, प्लस 2 इंच करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया मेरा 9.3। तो यहाँ पे लिया 1/2 इंच हम लेंगे डाट के लिए, जो कि बैक साइड लगेगा, और उसके बाद हम मार्जिन लगाइए। सब में 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। सेम हिप का होगा, हिप हमारी 41.5 इंच है, 41.5 इंच में +2 इंच करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है मेरा 10.8। और 1.5 इंच मार्जिन।
अब ऊपर से हमें लेंथ लेनी है कुर्ती की, तो यहाँ पर ही क्रॉस लाइन से ही हम लेंथ लेंगे हमारी कुर्ती की। कुर्ती 43 इंच की बनेगी, तो मैं इसको इस तरीके से करती हूँ। ठीक है, 43 इंच की रेडी कुर्ती रहेगी, तो 43.5 पर निशान लगाएंगे हम। उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जिससे कि हम नीचे की फोल्डिंग कर सकें। तो इस तरीके से मेरा मार्किंग हो गया। अब देखिए, एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ लेंथ को। ठीक है एकदम। अब यहाँ पे हमें लेना है हमारा जो भी आपका दामन बनता है यहाँ पे, तो वो आप कैसे लोगे, जितना आपने हिप लिया है उतना ही आपको दामन की चौड़ाई रखनी है, तब जाकर के आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे हमारा जो लेंथ है, तो इस लेंथ में हमें दामन की चौड़ाई लेनी है। तो ये हमारी लेंथ यहाँ पे है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो दामन की चौड़ाई कैसे लोगे, जितना आपका हिप का फोर्थ पार्ट है उतना ही आप यहाँ निशान लगाइए, 10.8 और 1.5 इंच मार्जिन। अब इन निशानों को इस तरीके से हम मिला देंगे। अब हमें सारे निशान लगा लेने हैं, तो देखो इस तरीके से हम निशान को ऐसे लगाएंगे। जिसका मेजरमेंट जैसे आया बिल्कुल वैसे ही लगाइए और इस तरीके से राउंड शेप दे दीजिए। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, तो सारे कुर्ती के हमारे निशान लग चुके हैं। अब ये हमारा यहाँ पे आर्मोल की ड्राइंग करनी है, तो जितना हमारा आर्मोल का लेंथ था इसका हमने सेंटर बनाना है पहले। फिर हम यहाँ लेंगे 8 इंच है ना, यहाँ पे 7 इंच लगेगा हमारा और यहाँ पे 7.5। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। इस पॉइंट से हमें कितना क्रॉस लेना है, 1 इंच, और इस तरीके से आर्मोल का शेप देना है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल। ये फ्रंट का हो गया, तो बैक का लेंगे हम, तो 1/2 इंच बाहर जाएंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। बस अब हमने कटिंग करनी है। यहाँ से हमने 3.5 पे निशान लगाना है फ्रंट के लिए नेक लेंथ। अब देखिए, जो कॉलर वाली कुर्ती होती है ना, ये होता है इसका बेस। ठीक है, अब इसके बाद आप कोई भी टाइप का कॉलर बनाना चाहते हैं, हाफ कॉलर बनाना चाहते हैं तो नेक लेंथ बढ़ा लीजिए फ्रंट साइड में। आप फुल कॉलर बनाना चाहते हैं तो 3.5 इंच पे फुल कॉलर लगेगा, स्टैंड कॉलर लग जाएगा, फ्लैट कॉलर लग जाएगा। तो बेस ये बनता है, बाकी आप इसके अलावा कॉलर कोई भी बना सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम बैक साइड में डार्ट लगाना सिखाऊंगी मैं आप सबको। अब जो हिप के पास हमारा निशान लगा है, इस पे इस तरह से नॉचेस बनाएंगे, वेस्ट का नॉचेस बनाएंगे और बैक वाले पार्ट में हमने वेस्ट का जो ये निशान है कि कहाँ पे लेंथ आ रहा है उसका निशान लगाएंगे और मार्जिन वाला निशान लगाएंगे। ठीक है, ये फ्रंट है हमारा, तो बैक के लिए ऐसे निशान लगाया हमने।
फ्रंट को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो बैक में क्या चेंजेस करना है वो देख लेते हैं हम पहले। बैक में यहाँ पे आपको 1 इंच का शेप देना है, ठीक है। तो अभी हम 1 इंच का जो शेप दे रहे हैं वो कटिंग नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे निशान लगा के रखेंगे, कॉलर के टाइम पे कटिंग होगी इसकी। और बैक में डार्ट लगाना है तो देखिए इस तरीके से मार्जिन को छोड़ते हुए टोटल का आपको सेंटर बनाना है, और जो कमर की लंबाई का निशान है उसको इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये सेंटर लाइन बना है हमारा, तो 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। तो बैक में डार्ट हमारा लग गया है। अब इस डार्ट को हमें दोनों साइड में ट्रेस करना है, तो ऐसे रखेंगे कुर्ती को, कट टू कट मिलाइए हिप का और कमर का, और ऊपर से भी आप मिलाएंगे, और तब जा करके इस तरीके से करना है। तो जब हम इस तरीके से टैप करते हैं तो हमारे निशान दोनों साइड ट्रेस हो जाएंगे। तो देखो ये आ गया हमारा निशान, अब इसको हम डार्क कर लेंगे। तो बैक हमारा रेडी है। अब फ्रंट पार्ट में हमारा जो आर्म होल है फ्रंट शेप का, इसको कट करना होगा। और जो हमारे ये निशान होते हैं फिटिंग के, इनको हम ट्रेस करके दोनों साइड लगा लेंगे। सो गाइस, तो इस तरीके से हमारा कॉलर वाली कुर्ती कटिंग हो गई है। इस कटिंग में आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।